आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल व अतिरिक्त उपायुक्त विनय धीमान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। नारे तथा स्लोगन के साथ बिलासपुर शहर में जागरूक रैली निकाली गई तथा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त विनय धीमान ने बताया कि इस रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल व अतिरिक्त उपायुक्त विनय धीमान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। नारे तथा स्लोगन से बिलासपुर शहर में जागरूक रैली निकाली गई तथा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त विनय धीमान ने बताया कि इस रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुटता मार्च का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने आमजन से इसमें भाग लेने की भी अपील की तथा उन्होंने बताया कि आपदा से निपटने के लिए जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपदा के समय किस तरह अपना तथा दूसरों का बचाव करना है। उन्होंने बताया कि हर पंचायत से 15-15 सदस्यों की टीम बनाकर उनको आपदा की ट्रेनिंग दी जाएगी तथा आने वाले 2 महीनों के बाद बिलासपुर में आपदा से निपटने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपदा से बचने के बारे में बताया जाएगा। आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से एक सॉलिडैरिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसे माननीय उपायुक्त जो कि DDMA के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस सॉलिडैरिटी मार्च को फ्लैग ऑफ किया। और ये मार्च जिसमें बहुत सारी NGOs ने पार्टिसिपेट किया और स्कूल के बच्चों ने और कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये सॉलिडैरिटी मार्च जो है वो उपायुक्त कार्यालय से होकर के अलग अलग जो हमारे स्थान हैं वहाँ से होते हुए सर्किट हाउस बिलासपुर में जो है वो उसको इसकी समाप्ति हुई। और इससे जो है वो सभी को ये संदेश दिया गया कि आपदा प्रबंधन जो है वो कितना अहम है और उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए। जागरूकता आपदा प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में DDMA बिलासपुर जो मैसन्स हैं उनकी ट्रेनिंग, वॉलंटियर्स जो 15-15 वॉलंटियर्स हर पंचायत से लिए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग, और जितने भी हमारी NGOs हैं उनके सहयोग से अलग अलग जगह पे जाकर के विभिन्न मीडिया के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक करेगा। तो आने वाले 2 महीनों का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद भी जो है वो हम आपदा प्रबंधन को लेकर के वर्कशॉप्स जिसमें ट्रेनिंग्स ऑफ द वॉलंटियर्स हैं, जिसमें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसको एसोसिएट करके और जो स्थानीय अस्पताल का प्रशासन है उसको एसोसिएट करके ब्लड बैंक जो है उसमें भी उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ जो आपदा प्रबंधन के समय आवश्यक हो उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा।